हेलो मोहित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेस, आपकी मूवी कंप्लीट हो चुकी है अक्षय 2। उसके बारे में आपके थोड़े रोल के बारे में थोड़ा बताइए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। एंड अक्षय इज अबाउट इट्स अ क्राइम सस्पेंस थ्रिलर जॉनर। तो इसके अंदर बेसिकली वही होता है कि जो अक्सर आजकल हो रहा है, सबका कहीं ना कहीं पे एक सेल्फ मोटिव रहता है कि कौन कितनी जल्दी पैसा कमाए। तो ये फिल्म भी ऐसी कुछ लाइंस पे है कि जितने भी हम लोग कैरेक्टर्स हैं, कौन पैसे के लिए क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, वो उस फिल्म में दिखाया गया है। सो जी चांस आता है, लेकिन रीटेक्स में फिर लोग घबरा जाते हैं कि यार क्या मैं 10 रीटेक दे रहा हूँ, क्या मैं 15 दे रहा हूँ, क्या मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ। रीटेक्स डोंट डिफाइन यू एज गुड और बैड। परफेक्ट शॉट वो मतलब कभी भी आ सकता है। यू कैन डू अ परफेक्ट शॉट इन योर फर्स्ट टेक और इन योर 100 टेक, बट दैट डजंट मेक यू अ गुड और बैड एक्टर। देयर इज किसने कहा था मुझे, देयर इज नो सच थिंग एज अ गुड एक्टर और अ बैड एक्टर। देयर इज ऑलवेज अ गुड परफॉर्मेंस और अ बैड परफॉर्मेंस। इट्स ऑल ऑन परफॉर्मेंस। एक्टर इज इनसाइड एवरीबॉडी, यू जस्ट हैव टू गेट इट आउट ऑफ यू। ओके स्टार्ट। या रोल सर मोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, अक्षय मूवी 2 कंप्लीट हो चुकी है, तो आपके रोल के बारे में थोड़ा पहले बताइए। जी अक्षय 2 इज अ सीक्वल ऑफ अक्षय, लेकिन द ओनली सिमिलैरिटी इन द बोथ फिल्म्स इज कि वो क्राइम सस्पेंस थ्रिलर जॉनर है। इट्स नॉट अ कैरी ऑन सीक्वल। स्टोरी बहुत फ्रेश है एंड उसके अंदर बेसिकली जो आजकल होता है, हर इंसान के अंदर एक सेल्फ मोटिव रहता है कि मैं कितनी जल्दी कितना पैसा कमा सकता हूँ या कितनी जल्दी मैं देखने का जरिया होता है, नजरिया होता है। तो दिस फिल्म इज ऑल अबाउट दैट कि जितने भी हम कैरेक्टर्स हैं, वेदर इज जरीन खान, वेदर इज गौतम, वेदर इज अभिनव एंड माई सेल्फ, कि वॉट कैन वी गो और वॉट कैन वी डू एंड हाउ फार कैन वी गो टू अक्वायर वेल्थ। कि पैसा और शोहरत लेने के लिए आप कितनी कौन सी हद तक जा सकते हो और उसके पाने के लिए आप क्या कुछ नहीं कर सकते, तो ये फिल्म यही दिखाया गया। एक्चुअली वर्किंग विद जरीन खान एंड गौतम रोडे एंड द अदर एक्टर्स वॉज वेरी ब्रिलियंट। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एंड जरीन इज अ वेरी कम्फर्टेबल पर्सन टू वर्क विद। एंड आई थिंक एक्टर्स के साथ काम करना एंड इज वन थिंग, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर नीड टू सपोर्ट द होल यूनिट। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज आई थिंक द डायरेक्टर वॉज द बैकबोन। He knew all the actors, how to get what out of them, and all the actors, we bonded pretty well. Hum sab ne ek dusre ka saath diya and masti bhi ki, lekin thodi serious film ho jati hai na ki yaar koi suspense chal raha hai, ye chal raha hai, lekin jab cuts hote the uske beech mein we used to all enjoy ourselves a little bit here and there, lekin kaam ke time pe serious focused on the character. Because Zareen ma'am is known for his shy person, bahut hi shy person hai wo, aur recently unhone interview mein bhi kya kaha hai, मोहित के साथ बहुत ही अच्छा था मेरी काम की एक्सपीरियंस, तो उसके बारे में कैसा कहना चाहिए? आई थिंक शी इज़ अ शाई पर्सन इन रियल लाइफ, लेकिन कैमरे के सामने एक एक्टर को शाई नहीं होना चाहिए। सो शी परफॉर्म्स रियली वेल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड एन एक्टर यू नो कि वो शाई होना अलाउड ही नहीं है अनलेस एंड उसका कैरेक्टर है। सो विद जरीन इट वॉज वेरी वेरी गुड वर्किंग विद हर एंड मस्ती सेट पर होती थी, लेकिन जब काम की बात आती थी कैमरे के सामने दिस वॉज ऑल बिजनेस। लाइक इट वॉज ऑल लाइक यू नो कि करना है हमें तो करेंगे, और जितने भी टेक्स होते थे एवरीबडी सपोर्टेड ईच अदर। लाइक आई सेड बिफोर टू यू कि जितने भी टेक्स दो, एक टेक दो या 100 टेक दो, दैट डजंट डिफाइन यू एज अ गुड और अ बैड एक्टर। इट्स ऑलवेज अ गुड परफॉर्मेंस और अ बैड परफॉर्मेंस एंड यू विल ऑलवेज गिव योर बेस्ट इन एवरी शॉट एंड वन ऑफ द शॉट्स विल बी योर बेस्ट विच विल बी चोजन फॉर द फिल्म। ये तो थी काश की बात, और आती है डायरेक्शन की बात। जो कैप्टन ऑफ द शिप रहते हैं आनंद सर, जिसने अक्षय भी डायरेक्ट किया और अक्षय 2 भी डायरेक्ट कर रहे, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? अरे उनके साथ तो मैं तो उनको बहुत तंग किया। आई यूज्ड टू ट्रबल हिम अ लॉट बिकॉज आई थिंक आई वाज द न्यूएस्ट पर्सन एक्टिंग एक्सपीरियंस वाइज इन द फिल्म। आई यूज्ड टू आस्क हिम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं उनसे बहुत सवाल पूछता था मैं। लेकिन पहले ही बोल चुका था उनको फर्स्ट डे पे कि आई अपोलोजाइज इफ आई आस्क यू 100 क्वेश्चंस, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा क्योंकि वो फिल्म के लिए और मेरे परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यस उन्होंने, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज़ वो बहुत पेशेंस के साथ काम करते हैं, वो अपने एक्टर्स को समझते हैं एंड ही नोज हाउ टू गेट द परफॉर्मेंस आउट ऑफ हिज एक्टर्स। सर, हैव यू टेकन एनी एडवाइस फ्रॉम आनंद सर फॉर एनी सीन्स, एनी एडवाइस फॉर द सीन्स? आई टुक एडवाइस फ्रॉम हिम फॉर एवरी सीन इन द फिल्म, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
जनरल एडवाइस भी मैंने लिया बिकॉज ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस सीनियर एक्टर इज़ वेल एंड अ डायरेक्टर. तो उनके पास जो एक्सपीरियंस है एक्टिंग एंड द डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा है. तो मैं उनसे बार बार सवाल लेता पूछता था और वो गाइडेंस सही देते थे. तो इट हेल्प्स यू एज एन एक्टर व्हेन यू आर स्टेपिंग योर फुट इन द इंडस्ट्री एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एंड यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क. अक्सर की बात करें तो उसने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है एक फर्स्ट पार्ट में और उसकी सेकंड पार्ट आ रही है. तो जो भी सेकंड पार्ट आती है उसके जो किरदार जो रहते हैं उस पर थोड़ा प्रेशर आ जाता है कि वहाँ पर एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, वहाँ उतनी परफॉर्मेंस देनी है. तो आपके ऊपर भी कैसा कुछ प्रेशर है या कुछ? देखिए आई थिंक प्रेशर विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज अक्सर द फर्स्ट वन 2006 द एक्टर्स परफॉर्म रियली वेल, द म्यूजिक वॉज गुड, द डायरेक्शन एवरीथिंग वॉज गुड एंड द मोस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट पार्ट वॉज बॉक्स ऑफिस पे उसने बहुत अच्छा किया. तो जनरली क्या होता है नेचुरली सेकेंड वाले पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं लेकिन जो बॉक्स ऑफिस आएगा वो हमें नहीं मालूम, वो ऑडियंस ही तय करेगी. लेकिन परफॉर्मेंस वाइज एंड द फिल्म वाइज आई फील कि सब ने अच्छा काम किया है. एक्टर्स हैव डन अ वेरी गुड जॉब, मे बी आई थिंक आई ऑल्सो डन अ गुड जॉब, वो आप ही बताना. एंड लेकिन द डायरेक्शन द प्रोडक्शन टीम एंड ऑल द टेक्नीशियंस सब ने काम बहुत अच्छा किया है. एक कहानी भी बहुत प्यारी है, ये बहुत बहुत सिंपल स्टोरी है. जब भी एक कैरेक्टर जब प्ले करते हैं, जब आपके पास एक स्क्रिप्ट आती है तो एक कैरेक्टर में हर एक कुछ फैक्टर रहते हैं जो चीज छू जाती है फिर उसके बाद हामी भरी जाती है. तो आपको क्या मतलब वो फैक्टर टच कर गया था जो आपने ये कैरेक्टर के लिए हामी भरी? ये स्क्रिप्ट में मेरे को एक चीज छुई थी, वो था एक्चुअली द होल स्टोरी वॉज वेरी गुड लेकिन जो मेरा कैरेक्टर जो मैंने सेलेक्ट किया और जो मैंने कहा आई विल प्ले दिस रोल इज़ क्योंकि सबसे बड़ी बात जो मुझे टच करी कि वो कैरेक्टर मैं हूँ ही नहीं रियल लाइफ में. तो दैट्स व्हाट एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट. यू डू अ रोल और यू प्ले कैरेक्टर्स दैट मे बी यू आर नॉट इन रियल लाइफ. तो उसी को तो एक्टिंग भी कहेंगे आप. कि ऐसे नहीं है कि अच्छा आप एक एक चीज़ बार बार नहीं कर सकते. कर भी सकते हैं ऑब्वियसली, बट एज एन एक्टर आई बिलीव दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इन डूइंग डिफरेंट रोल्स in the sense ki maybe playing something that you're not, maybe playing something that someone else is, or maybe playing something that you are obviously. So ye is film mein mereko ye bahut acha laga ki mereko ek challenge mila to do a role which I'm definitely not in real life. To jab maine dekhe thode bahut scene maine socha ye sachi mein main hu, like I am doing all this. So you know you feel good ki chalo ek aur zindagi jee li humne is film mein. फर्स्ट मूवी आपकी लव स्टोरी थी, सेकंड ये थ्रिलर थी. और ऐसा फ्यूचर में ऐसा कौन सा जॉनर है जो आपको करना पसंद? जी एज एन एक्टर मेरे को एक्चुअली बहुत सारे जॉनर्स में आई विल नॉट क्लासिफाई एनीथिंग बट आई लव टू वर्क इन आई ऑलरेडी डन अ लव स्टोरी फैमिली फिल्म, दिस इज अ थ्रिलर फिल्म, अभी एक और शूट करके आया हूँ वो भी एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा का जो फिल्म है बेस्ड ऑन अ मेडिकल इशू स्किज़ोफ्रेनिया. एंड उसके आगे भी आई लव टू वर्क इन कॉमेडी because everybody thinks comedy is very easy to do but actually it's not. So it's always good to take up a challenge. Action will be nice and any art films also. So I love to play any character that I can connect to or I can maybe relate to. I love to do experimental kind of roles as well. Har actor ke koi inspiration rehti hai kya kya aise mujhe banna chahiye ya aisa benchmark mujhe set karna hai, to aapke aisa koi hai? I've never really compared myself to anyone because for example Shah Rukh Khan ek hi hai, you know you can't copy someone because then you will lose yourself. But why I'm using Shah Rukh Khan as an example is because ever since I was a kid in the industry I look up to him. Okay, you admire the most Shah Rukh, an actress you like to work with? I love to work with you know someone told me one thing and ye maine bhi bahut socha ki when you read a script I would love to work with that character. Whoever is finalized is not in my hands. Jo final hoegi, jo actress final hoti hai, that she's going to be selected by the director or the producer. So anybody that comes my way that suits the character, I'd love to work with them. I have no favorites as such. I just want to work and it should be good work. आपने एक्टिंग एकेडमी में भी पार्ट लिया है, तो वहाँ पर अलग अलग किरदार रहते हैं एक्टिंग डायरेक्शन. So in future you like to direct any movie or not? I think every actor somewhere or the other down the line wants to direct something and every director when he writes a script or he's directing the film he is seeing himself in one of the characters or maybe all of them. So yeah, hopefully in the future when I have enough experience
व्हेन आई नो कि आई एम रेडी फॉर इट, वो अपने आप आवाज़ आएगी, मैं कुछ ना कुछ कर दूँगा। आपने बहुत सारे न्यू एकदम अलग अलग फैक्टर्स में काम किए हुए, तो इन फ्यूचर आप वेब सीरीज में भी एक्सप्लोर करना चाहिए? आई हैव नॉट रियली थॉट अबाउट दैट, बट येस वाई नॉट, बिकॉज एक्टिंग इज एक्टिंग एंड आजकल वेब सीरीज आर पिकिंग अप इन अ डिफरेंट वे एंड इफ इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट व्हाई नॉट, देयर इज नो हार्म। जैसे इंडस्ट्री में देखा जाए तो अभी आजकल बहुत ही नेपोटिज्म की बात चल रही है, तो आप न्यूली आए हैं बहुत स्ट्रगल करके, आप बाहर से भी आए हो, तो हैव यू फेस एनी नेपोटिज्म इन आवर इंडस्ट्री? आई थिंक इट्स द वे यू लुक एट इट। अगर आप अपने आप को बोलोगे मुझे ये डिफिकल्टीज हो रही है और आई एम बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और आई एम फेसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, देन यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फेसिंग देम। यू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, सॉल्व देम, बी इन योर ओन वर्ल्ड, बी फोकस्ड। अगर आप फोकस अपना क्लियर रखोगे तो आई डोंट थिंक एनीबडी कैन अफेक्ट यू इन दैट सेंस। कहना बहुत आसान है लेकिन मैं भी गुजर चुका हूँ इन चीज़ों से, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, हैव सेल्फ बिलीफ, फोकस ऑन योर मेन गोल। Distractions will come everywhere, but that doesn't mean you get distracted. Sir, why struggle? कुछ ना कुछ आप face करते हैं, तो कुछ ऐसा share करना चाहिए क्या जो strugglers हैं वो inspire हो? You know, first of all, I don't like the word strugglers. Okay. Because people look at it in a very negative light. Because क्या होता है ना, strugglers आज के time में होता है कि चलो आप established नहीं हो, that's the definition, right? People perceive. लेकिन I feel in this industry, even till you are 50. As an actor, even if you're 70, you're still struggling to find yourself. You're still struggling to get more work. Because it's a ever-changing industry. आपने एक फिल्म करी, फिर आप दूसरी फिल्म की तलाश में हो, आपने दूसरी करी, फिर आप दो और कर रहे हो, ऐसे ऐसे आप करते रहोगे, you'll keep growing as an actor and more importantly growing as an individual. So struggling will be part of life. It just depends on how you look at it. Okay, so what are your upcoming projects other than Aksar 2? Aksar 2, I've just finished one more film. Like I told you, it's about it's a family kind of a film and it's based on a medical issue about schizophrenia. Wo main kar chuka hu. Abhi the producers will start talking about it. So that's when I'll start talking about it. And it was a lovely experience as well. And upcoming, I have two films lined up, which I'm going to shoot for. One in May and the other one in July. And uske baad there will be a couple of announcements made, hopefully in the coming few weeks. A couple of big films. तो वो जाएंगी लेटर ऑन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ऑन फ्लो। एनीथिंग यू लाइक टू से अप टू योर फैंस? टू माय फैंस ऑल आई कैन से इज आई विल रिपीट वन थिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सो इफ यू रियली वांट समथिंग गो गेट इट। अगर आपको सच्ची में कुछ चाहिए, सच्चे दिल से आपको मिलेगा, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। बिकॉज आजकल के टाइम में क्या होता है, पीपल लाइक टू पुट यू डाउन एंड वी ऑल सेंसिटिव ह्यूमन बींग्स टूडे एंड वी ऑल हैव फीलिंग्स, एक्टर्स आर वेरी सेंसिटिव। So don't get disheartened. Failures, ups and downs are part of life because you know the destination. आपको कहाँ जाना है, मंजिल आपको पता है, लेकिन जो जर्नी है ना, make that beautiful, make that count. Because आपको पता है एंड में मैं वहाँ तक पहुँचने वाला हूँ किसी ना किसी तरह, तो जर्नी जो है ना उसको खूबसूरत बनाओ, टेक द गुड मोमेंट्स, फिल इट इन, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे। थैंक यू सर। थैंक यू।